इस अग्नि स्नान को हम क्लेश नाशन क्रिया कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा काम जो आपके आसपास इकट्ठा हुई अशुद्धियों को हटा देता है। इसे करने का विशेष तरीका है और कुछ पीढ़ियों पहले लोग इसे बिल्कुल अच्छे से करना जानते थे। हमने बस इस अग्नि स्नान से लोगों को कई स्थायी बीमारियों से छुटकारा दिलाया है। साधारण मन इलो जनरली दिष्टि इज वेरी बिग थिंग दिष्टि कदा इनीशियली आई यूज टू थिंक दिस इज वन चादस्तम माय मॉम जस्ट वांट्स टू डू समथिंग ओके डू इट अने बट लेटर लेटर व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग दिस सम एक्सीडेंट एट द शूट और समथिंग समथिंग इट केप्ट ऑन हैपनिंग एंड पर्टिकुलरली आई हैड दिस बैक टू बैक हिट्स एंड देन आई हैड दिस बैक टू बैक एक्सीडेंट्स ऑल्सो एंड देन विदाउट मी रियलाइजिंग आई स्टार्टेड बिलीविंग इट Suddenly, I've started reminding my mom, Amma, this is Elthana. So, this concept is rakrakal mandi, rakrakal ga cheptaru. People say some energy antaru, unkotantaru. But it is a very household thing. It's a very popular belief. Deen meda, mee abhiprayam enti. Idi unda, leda? आप रोज नहाते हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चेन्नई में वो 3 दिनों में एक बार नहा रहे हैं। मैं इनका हैदराबाद। आप वहां नहीं पहुंचे? अभी हुसैन सागर में। तो कल शाम मैं कुछ प्रतिष्ठित लोगों के एक ग्रुप से बात कर रहा था। एक सरकारी अफसर ने कहा ये सभी अमीर लोग हर रोज नहा सकते हैं। मैंने पूछा आप कहां से हैं? दक्षिण भारत में हम नहाए बिना घर से बाहर कदम नहीं रखते। चाहे जो भी हो जाए, चाहे हम पानी ना पिए, लेकिन हम पहले नहाएंगे। तो ये नई संस्कृति मत शुरू कीजिए कि इतने दिनों में नहाइए। और शुक्र है आज शुक्रवार है। तो आप अपने शरीर को पानी से धोते हैं। इसका संबंध सिर्फ मिट्टी हटाने से नहीं है। अगर आपके शरीर पर मिट्टी ना भी हो, तब भी क्या आपने देखा है कि पूरे दिन के काम के बाद अगर आप पर कई चीजों का बोझ जमा हो जाए और आप आकर नहा लें, तो ऐसा लगता है नया जीवन मिल गया। क्या ऐसा होता है? सिर्फ शरीर को साफ करने की बात नहीं है, बात साबुन की नहीं है, बस शरीर पर पानी का बहना। आप जाकर नदी में डुबकी लगाइए, वहां 10 मिनट रुकिए और बाहर आकर देखिए। ऐसा महसूस होगा जैसे आपका नया जन्म हुआ है, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि यह शरीर बुनियादी रूप से 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। इस मौसम में हमारे योग केंद्र में, क्योंकि हमारे यहां एक हवा की टनल है, यानी शांत घाटी से मॉनसून की हवाएं बहकर इस घाटी में केंद्रित हो जाती हैं, और जब ये योग केंद्र की ओर आती हैं तो उनकी रफ्तार 70 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, दिन के अलग अलग समय पर। तो इस समय हमारे सभी लोग साधना करते हैं, वो हवाओं में इस तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वायु स्नान है। जल स्नान अब रोज करते हैं, वायु स्नान भी किया जा सकता है। योगी हमेशा अपने शरीर पर मिट्टी लगाते थे, लेकिन आज इसने स्पा में मड बाथ का रूप ले लिया है। ठीक है, तो मड बाथ भी होता है। Similarly, there is a fire wash. इसी तरह से अग्नि स्नान होता है। इस अग्नि स्नान को हम क्लेश नाशन क्रिया कहते हैं। इसका मतलब एक काम जो आपके आसपास इकट्ठा हुई अशुद्धियों को हटा देता है, क्योंकि आपका शरीर बस यहीं खत्म नहीं होता, ये इससे आगे मौजूद है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? शायद महिलाएं इस बारे में पुरुषों से ज्यादा संवेदनशील हैं कि किसी को आपको छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ ज्यादा पास आ जाता है, ये कोई मानसिक चीज नहीं है, वो एक अलग बात है। मानसिक और भावनात्मक पहलू होते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अगर कोई ज्यादा पास आ जाता है तो वहीं एक भावना पैदा होती है। आप जान जाते हैं कि आपको कुछ दूरी चाहिए। उन्होंने आपको छुआ नहीं है, बस ऐसे करने से ही कुछ परेशानी होती है ना, क्योंकि शरीर यहीं खत्म नहीं होता, ऊर्जाएं इससे थोड़ा आगे तक होती हैं।
इससे कितना आगे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी जीवन ऊर्जा कितनी उल्लासित है। अगर आपकी जीवन ऊर्जा वाकई उल्लासित है तो आप ये पूरा हॉल उससे भर सकते हैं, वरना ये कम से कम थोड़ा आगे तक होती है। ज्यादातर लोगों के लिए ये शरीर से 3 से 9 इंच तक बाहर हो सकती है। तो जैसे जैसे आपके शरीर पर अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती हैं, अगर आप बाहर जाएं, मोटरसाइकिल चलाने पर आप देखेंगे, मैं जब भी मोटरसाइकिल चलाता हूं तब थोड़ा जवान हो जाता हूं, क्योंकि अगर मैं 4-5 घंटे चलाकर वापस आता हूं तो लोग कहते हैं, सदगुरु आपकी दाढ़ी काली हो गई है, काला कार्बन लग जाता है। तो आप शरीर पर चीजें इकट्ठी करते हैं, आप उसे धोते हैं, इसी तरह आप ऊर्जा सिस्टम पर भी अन्य तरह की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। अगर आप इसे पानी से धोएं तो कुछ अशुद्धियां चली जाएंगी, अगर आप हवा से धोएं तो कुछ अन्य चीजें चली जाएंगी, लेकिन हवा हमेशा वैसे उपलब्ध नहीं होती, आप ये भी देख सकते हैं। लेकिन इन दिनों ये पंखे एक खास रफ्तार से चलते हैं, पर अगर आपके पंखे सही रफ्तार पर चलें और आप उनके नीचे बस कुछ समय बैठें, आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ ऊंचा उठ जाता है। क्या आपने ये देखा है? थोड़ा सा वायु स्नान, इसी तरह से एक अग्नि स्नान होता है जिसे आप दृष्टि कह रहे हैं। क्या यह हमेशा दूसरे लोगों के देखने से होता है या नहीं होता, इस पर प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन आपके आसपास के जीवन का आपके ऊर्जा सिस्टम पर जरूर प्रभाव पड़ता है। अगर आप में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, मतलब आप कोई क्रिया कर रहे हैं या कोई ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि खुद को अंदर से कैसे धोना है। अगर आप वो नहीं जानते तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती। मुझे आपको ये बताना चाहिए कि इसे करने का एक तरीका है जो कुछ पीढ़ियों पहले लोग अच्छे से जानते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वो बस कुछ जलाकर ऐसा ऐसा करते हैं। अगर आप योग केंद्र में आए तो हम वैज्ञानिक तरीके से क्लेश नाशन क्रिया करते हैं, जैसे उसे किया जाना चाहिए। हमने लोगों को कई स्थायी बीमारियों से सिर्फ अग्नि स्नान के द्वारा छुटकारा दिलाया है। एक चौंकाने वाली बात जो हमें कुछ समय पहले ही पता चली है वो ये है कि ADHD यानी सीखने की परेशानी से पीड़ित कई बच्चों में अग्नि स्नान के 6 से 8 हफ्तों के बाद जबरदस्त बदलाव आया है। हमने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। तो आपकी माता ने जाने या अनजाने में आपको अग्नि स्नान देते हुए शायद आपकी सीखने की क्षमता कुछ बढ़ा दी हो। मैं उन्हें नमन करता हूं कि उन्होंने अग्नि स्नान किया।